नमस्ते, आज की हमारी रेसिपी है सांभर डोसा बनाने की। तो अगर हमारा डोसों का जो वेटर तैयार करने का मेजर है अगर वो सही होगा तो हमारे डोसे अच्छे पतले और क्रिस्पी बनेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने ये 2 कप, ये हमने 1.5 कप चावल के लिए हैं। आप कोई से भी चावल ले सकते हैं, वैसे मैंने खीर वाले चावल होते हैं, मैंने इनसे डोसे ज्यादा अच्छे बनते हैं। और इसका ही 1/2 कप हमने उड़द की दाल ले ली है, उड़द की दोबा दाल। और अब हमें क्या करना है, इनको क्रिस्पी बनाने के लिए डोसों को, इसके लिए हमने इसी का 1/2 कप ये पोहा ले लिया। आप कोई सा भी पोहा ले सकते हैं। इससे क्या है कि इससे हमारे जो डोसे हैं ना वो ज्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अब ये गर्मियों का मौसम है इसलिए हम इनको ज्यादा नहीं 4 घंटे के लिए सोख करके रखेंगे। ये हमारे 4 घंटे हो गए, इसको भगो हुए अब हमने ये पानी इसमें से निकाल दिया है। अब हमें इनका फाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। डाल देंगे पहले और इसको इस तरह से हमें पीसना है। ये हमारा इस तरह से हमें फाइन पेस्ट बनाना है, बिल्कुल ये बहुत महीन है। अब हमें क्या करना है, इसको हम सारा हमने पीस के तैयार कर लिया है। अब हमें बस यही करना है कि हमें ये 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको ढक कर रख देंगे। ना बेटर तैयार करके रखा था, ये अब डोसा बनने के लिए बिल्कुल एकदम से रेडी है। इसमें हमने 1/2 चम्मच नमक ऐड कर लिया है और इस तरह से ही हमें इसकी चाहिए, ना इसका गुण ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, यानी थिकनेस इसकी इस तरह की होनी चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया है, एक तवा रख दिया है जो कि हमारा गर्म हो गया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर हम थोड़ा सा पहले आप तेल या भी कुछ भी इस पर ग्रीस कर लें। इससे क्या है कि ये हमारे डोसे अच्छे से, अब हमें क्या करना है इसको, ये ज्यादा गर्म हो गया है तो इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए इसका हम पानी डालेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा कुछ कपड़े से लेके इसको हम साफ करेंगे। हमें क्या करना है, आप तवा कोई सा भी यूज कर सकते हो। इस पर ये बैटर हमें इस तरह से डालेंगे और इसको स्मूथली ऐसे इस तरह से इसको फैलाएंगे। अब इसकी लो को थोड़ा सा तेज कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा कितना क्रिस्पी और कितना गोल्डन होके तैयार हुआ है। आइए हम दूसरा और तैयार करते हैं इसी तरह। हम दूसरा डोसा बनाकर और दिखाते हैं। इसको इस तरह से हमको फैलाना है। आप तवा कोई सा भी ले सकते हो, ये मेरे पास ये लोहे का तवा है। आप जो रोटियां बनाते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं, पर उसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा प्याज काट के उस पर थोड़ा सा अच्छे से लगा लेना रगड़ के, फिर उस पर तेल और ये पानी की छींटे करके इसी तरह से बनाओगे तो आपके डोसे भी सही। क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इस पर अमूल बटर लगाएंगे। आप चाहो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और मैं बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट आता है। अब हमें थोड़ा स्लो गैस पर ही इसको पकाएंगे जिससे कि अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए। और देखो आप इसका कलर चेंज हो रहा है। जिस तरह से मैंने ये बैटर तैयार किया है आप उसी तरह से इसको तैयार करना तो आपके भी डोसे परफेक्ट और सही बनेंगे जैसे मेरे बनते हैं। हम इस पर क्या करेंगे, इस पर हम आलू की जो हमने मैश करके तैयार किए तो उसको हम इस पर स्टफिंग फैलाएंगे। इस पर कुछ हम प्याज डालेंगे, कुछ टमाटर
और इसमें हम थोड़ा सा पनीर भी डालेंगे। क्रिस्पी डोसा बनकर एकदम से तैयार है, लग रहा है ना मार्केट जैसा। अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। ये हमारे क्रिस्पी डोसे बनकर तैयार हैं। ये देखो क्रिस्पी बने हैं ना। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। These brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb.